सर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑन द सेकंड डे ऑफ एमएस वर्ल्ड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय सीए विचार मंच प्रेजेंटेड बाय एमआईएक्सएल इज योर वर्क लाइफ। आई सीए वरुण गुप्ता वेलकम यू ऑल on this second day of our MS World workshop. Today we are going to learn following features which are dictate feature. isme hum aapko batayenge ki with the help of dictation hum word ko hi dictate karte rahenge aur ye hamare liye kaise typing karega. uske baad insert command. kai baar hame kisi document mein apne kuch comments dene hote hain तो उसको हम कैसे कमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको फीचर दिखाएंगे ट्रैक चेंजेस। कई बार किसी डॉक्यूमेंट को हमको आपस में शेयर करना पड़ता है तो सामने वाले को हमको ये बताना होता है या सामने वाले से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस करें, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट की किस फाइल की किस रो में क्या चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। कल जैसा कि हमने देखा कि हम वर्ड फाइल को लॉक करना सीख गए थे कि हम फाइल को कैसे लॉक कर सकते हैं, बट आज हम ये बताएंगे कि हम फाइल को लॉक नहीं करेंगे, फाइल तो हम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, बट हम एडिटिंग के लिए वर्ड फाइल में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसमें भी हम पासवर्ड लगा सकते हैं, तो किसी को हम उसको एडिटिंग का एक्सेस नहीं देंगे, सिर्फ वो उसको व्यू कर सकेगा। फिर हम आपको बताएंगे मल्टीपल कॉलम राइटिंग न्यूज़पेपर मैगजीन, ये हम कैसे डॉक्यूमेंट को कैसे मल्टीपल कॉलम में एक ही पेज में कॉलम वाइज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि वाटरमार्क बैकग्राउंड में वाटरमार्क कैसे लाना है, पेज का कलर कैसे लाना है या बॉर्डर बनानी है तो उसकी कलरिंग कैसे करनी है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा मेल मर्ज ऑप्शन। इस ऑप्शन को सचिन जी हमको थोड़ी देर में भी ज्वाइन करेंगे तो वो ये बताएंगे कि मेल मर्ज का ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला फीचर है डिक्टेट फीचर इन वर्ड 2010। इसकी शॉर्टकट ये मैं आपको बताऊंगा अभी। विंडो 2010 में इसकी शॉर्टकट विंडो एच है, ये कैसे काम करेगी सो मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं एक ब्लैंक वर्ड की फाइल ओपन कर रहा हूं। सर ये मेरी वर्ड की फाइल आपको नजर आ रही है ना? ठीक है सर। सो आज मैं आपको एक डिक्टेट का फंक्शन बताता हूं कि हम डिक्टेशन जैसे हम ऑफिसेज में कभी अपने कोलीग्स को डिक्टेट करते हैं, कभी अपने सबॉर्डिनेट्स को डिक्टेट करते हैं कि लेटर राइटिंग हम उन्हें बताते हैं, वो कुछ लिख के लाते हैं, फिर सडनली कुछ चेंजेस हो जाते हैं, फिर हमें दोबारा उनको डिक्टेशन करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है कि वो लिख के लाए फिर आप उसको चेंज करें या समझे या देखें। उसके लिए वर्ड ने एक हमको बहुत अच्छा फीचर दिया है, या आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, होम पेज पे ये एक बटन आ रहा है डिक्टेट का, ये देखिए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं और इसने इतनी अच्छी खासियत हमको दे रखी है। विंडो 2010 में आप बता रहे हो है ये? सर विंडो 10 में अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फीचर बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ओके ओके। विंडोज के डिक्टेशन में और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिक्टेशन में दोनों में अलग अलग फर्क है सर। तो ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बता रहा हूँ, ऑफिस 365 है मेरे पास, तो मैं आपको उसमें बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये वर्ड में हमको होम बटन में डिक्टेट नजर आता है, सेम बटन आपको पावर पॉइंट में भी नजर आता है। तो मैं इस पे अगर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ना लैंग्वेजेस भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस लैंग्वेज में करना है, तो इसने ये बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें दी है। फिर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने करा ये मेरा फीचर अब शुरू हो गया। अब देखिए मैं जो भी बोलता जा रहा हूं ये डिक्टेट कर रहा है, ये लिख रहा है अपने आप। अब जैसे आपको ये अपनी लैंग्वेज में उस चीज को कर रहा है, बट मैं आपको एक लेटर राइटिंग करके दिखाता हूँ। आपकी तो केवल पीपीटी दिखाई दे रही है सर। अच्छा मैं इसीलिए आपसे कंफर्म कर रहा था। श्योर सर, एक सेकेंड।
सर अब मेरी ये वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर नजर आ रही है, अब आ रही है। सो सर ये होम स्क्रीन पे है, डिक्टेट का फीचर है सर यहाँ पे राइट हैंड साइड में। और जैसे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे वर्ड ने हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमको किसी चाइनाज की लैंग्वेज अगर हमें आती है तो उसको डिक्टेट कर सकते हैं, कनाडा इंग्लिश, यूके, यूएस, ये सब हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है सर, इस फीचर को मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये रेड बटन आप देखेंगे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ आप देखिए सर मेरे हाथ इस वक्त देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ये अभी मैं क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ तो ये अपने हिसाब से इसको काम कर रहा है। अब मैं एक लेटर राइटिंग नॉर्मल सा करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई वरुण गुप्ता रिसीव्ड डिमांड नोटिस ऑफ रुपीज 6 lakhs अंडर सेक्शन 2.2.1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 एज पर ऑर्डर अंडर सेक्शन 1431 ए। सर अब मैं इसको डिक्टेट को बंद करता हूं। देखा सर आपने मैंने डिक्टेशन दी है इसको और ये मेरे इशारों से काम कर रहा है। ये तो बड़ा अच्छा फीचर है वरुण जी, बहुत बढ़िया है सर। और आप बेस्ट पार्ट इसका क्या है आपने देखिए, मैंने ये जो कमांड्स यूज करी है ये मैंने इसके साथ साथ यूज करी है, तो इसके साथ साथ आप एंटर की कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप बोलते जाओगे ये वही मतलब आपको रोक देगा, ऐसा नहीं है। ये जितने भी अंडरस्कोर मैंने लगाए हैं ये मैंने साथ साथ मैनुअली लगाए हैं। ये ब्रैकेट वगैरह आपने लगाए हैं? ये सब मैंने लगाई है अपने हाथों से। अच्छा नहीं तो ये ब्रैकेट वगैरह हम बाद में लगाते हैं। ब्रैकेट एक्चुअली ये बोल मतलब या तो आप बाद में लगा सकते हैं या हम बोल दें उसको, या सर वो बोल दे में ना ब्रैकेट ऐसे उठाएगा नहीं क्योंकि वो उसके पीछे डिक्शनरी चल रही है। ओके ओके सो दे सेव्ड अ डिक्शनरी जो वो काम कर रही है, तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स हैं वो ये सब लेगा अपने पास। सो इस तरीके से जैसे अगर मैं 2017 बोला मैंने तो ये 2017 है, अगर मैं इसको 2000 बोलूंगा तो वो वैसे लेगा। ओके हाँ, तो जैसे हमको न्यूमेरिक में लिखना है तो वी वुड यूज 2017-18 और अगर हमें वर्ड में लिखना है तो 2000 तो फिर हम बोलेंगे 2017। सो जो भी डिक्शनरी है सर इसकी डिक्शनरी काम कर रही है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो आप आराम से सर डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लेटर लिखना है टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बोलते जाइए हाथ के हाथ, सिर्फ जो बेसिक्स है उसको आप ठीक करते रहिए और ये आपको अलाउ कर रहा है ठीक करने। वेरी नाइस, ये आपको मना नहीं कर रहा सर। तो सर ये वाला फीचर जो है ये ऑफिस 2019 या 2000 ये ऑफिस 365 ये वाले फीचर सर ये इसी में मिलेंगे आपको। तो हमारे पास ऑफिस 2010 है तो 10 तो सर बहुत पुराना हो गया। 10 होगा तो कोई नया होगा यार, फिर कोई हो सकता है विंडो 10 है सर। विंडोज 10 आपने ले लिया पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिया। अच्छा एमएस सर आपके मन से मैं एक अपनी एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं सबको बताना चाहूंगा। आज के सिनेरियो में बेसिक रिक्वायरमेंट जो है अपने सिस्टम की वो आपकी सर होनी चाहिए मिनिमम 4 GB रैम, और अब तो खैर 512 GB और 1 TB आपको क्या कहते हैं स्पेस भी मिलने लग गया, और आपके पास सर माइक्रोसॉफ्ट एक्स जो माइक्रोसॉफ्ट है वो मिनिमम 2013 तो होना ही चाहिए। अच्छा। प्लस उसके विंडो 10 होनी चाहिए। सो दीज थिंग्स शुड बी द मिनिमम कंपेटेबिलिटी जिसके साथ आप कम से कम जो है इसके, मैं 100% सारे ऑप्शंस तो आपको कह नहीं रहा बट काफी आपके ऑप्शन जो है वो ऑटोमाइज हो जाएंगे।
तो किसी भी आप सिस्टम को अगर खरीद रहे हैं सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप खरीदे उसको, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 तो होना ही चाहिए और एक अपना विंडोज 10 होना चाहिए। सर एक अतुल्य अतुल्य जैन जी ने रेस किया, एक बार आप थोड़ा, मैं आपको अतुल्य जी को पैनल पे ले लो, मुझे को-होस्ट कर दीजिए आप। हाँ 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 एक सेकंड सर। हाँ अतुल्य जी, अतुल्य जी को बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं अतुल्य। हाँ सर मैं उनको करता हूँ एक सेकंड। सर मैंने आपको को-होस्ट कर दिया, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अब सर इसी के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने एक आपको स्क्रीन में दिखाया था विंडोज 10 में भी एक ऑप्शन है हमारे पास, उसका फीचर थोड़ा सा अलग है, उसमें इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है हमारे पास, पर विंडोज 10 भी काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है पीपीटी वाली? हाँ जी नजर आ रही है। हाँ, सो सर इसका शॉर्टकट है विंडोज जो हमारे बना होता है, हमारे कर्सर जो विंडोज का बना होता है हमारे कीबोर्ड के अंदर, +H। सर मेरा ये आपको वर्ड की स्क्रीन नजर आ गई है वापस? आ गई सर। सर अब मैं इस पे देखिए, मैं विंडोज H कमांड प्रेस कर रहा हूँ। सर जैसे मैंने कमांड प्रेस करी है ऊपर देखिए मेरे इनिशियलाइजिंग का एक बटन आ गया है। अब ये मेरे को काम कर रहा है। अब मैं इसको कहूंगा डियर सर, डियर सर आई वुड लाइक, कहाँ इनिशियलाइजिंग आया आपका? डियर सर दिस इज टू, ये आ नहीं रहा है इसमें सर हाँ ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, ये मेरे को वो दिखा रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, नहीं ट्राई अगेन ए लिटिल। विंडो 10 में कहां पर आपने इसको किया, कौन सी कमांड दी है? हाँ ये विंडो 10 में जो विंडो हमारा विंडो का साइन होता है सर हमारे कीबोर्ड में, हाँ उसके साथ एच प्रेस करना है, उसके साथ एच प्रेस करना है, विंडो प्लस एच। ओके तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना इतने इफेक्टिवली काम नहीं करता जितने इफेक्टिवली हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिक्टेशन काम करता है। हाँ उसमें फिर बीच में आप ये एंटर वगैरह प्रेस नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये सब फीचर्स यूज करिए ना वो नहीं कर पाएंगे, वो आप प्लेन डिक्टेशन करते जाएंगे और वो आपका टाइप करता चला जाएगा। सर एक्सेल में नहीं है ये, आपको पावर पॉइंट में अवेलेबल आ रही है, पावर पॉइंट में अवेलेबल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो वाली फीचर जो है वो विंडोज के फीचर है सर, वो आपको एक्सेल में काम करने देगा। अच्छा एक्सेल में, तो मैंने हाँ क्योंकि वो विंडोज की, वो माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। ओके ओके हाँ हाँ, तो वो तो नोटपैड वगैरह किसी पे भी काम करने देगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की है तो ये आपको यहाँ पे प्लस इसके क्या कहते हैं आपको पावर पॉइंट पे काम करेगा आराम से। अगर आप मेरी पावर पॉइंट की स्क्रीन पे देखेंगे तो ये देखिए डिक्टेट का आपको नजर आ रहा है, पावर पॉइंट पे भी नजर आ रहा है सर। ठीक है सर, आज का सर नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट कमेंट। सर कई बार क्या होता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट है और उस पे अपने कमेंट कई बार देने होते हैं, एक्सचेंज करने होते हैं, तो जरूरी नहीं है सर, मतलब कई बार हमारी टीम हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजती है या कोई सामने वाला क्लाइंट हमें भेजता है जी आप अपने कमेंट्स बता दीजिए किसी को रिव्यू करने के, तो जरूरी नहीं है सर कि हम उसको लिखे पूरे कि क्या क्या करना है या क्या करना है। सपोज मैं आपको सर है कि मैंने डॉक्यूमेंट खोला है तो मैं इसमें एक आपको जस्ट बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टर्म पीरियड जो है ये सेल बिफोर 9 मंथ्स। अब आपको इसको रिव्यू करना है और आपको बताना है नहीं यार ये 9 मंथ्स नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे क्या कहते हैं इसको मुझे 11 मंथ्स करना है। तो जरूरी नहीं आप टाइप करें, आप सर इंसर्ट पे आप जाएंगे, इंसर्ट के पास ही ऑप्शन है कमेंट का, जैसे ही मैं इस कमेंट को क्लिक क्लिक करूंगा ये मेरे को यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट मेरा बनाया हुआ है तो ये कह रहा है कि वरुण गुप्ता, अब मैं इस पे लिख सकता हूँ हेलो एम आई ऑडिबल सर? यस यस सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है?
हाँ जी हाँ जी हाँ, तो सर मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ कि नहीं जी, इस डॉक्यूमेंट को आपको 9 मंथ नहीं करना, आपको इसको 11 मंथ करना। अब जब सामने वाला आपको कोई कमेंट पे काम कर सकता सर, वो यहाँ पे अपना रिप्लाई भी दे सकता। जब वो आप इस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट चेंज करेगा तो वो आपके इसके नीचे ही अपना रिप्लाई दे देगा कि डन, या उसका कोई कंसर्न होगा तो वो आपको कंसर्न रेज कर देगा। सबको ठीक हो जाएगा तो हम इसको रिजोल्व बोल सकते हैं, या हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जब हमारा काम हो जाएगा तो हम डिलीट कमेंट कर देंगे। जैसे हमने डिलीट करा, हमारा वापस डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेट में आ गया। तो इसके थ्रू आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप सिर्फ कमेंट दे सकते हैं अपना, कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये चेंज करवाने सामने वाले से, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस फीचर के साथ आप अपने कमेंट इसके साथ दे सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट। नहीं तो ये तो रिव्यू ऑप्शन में जा करके करना पड़ेगा ना हमें सर, इंसर्ट में, इंसर्ट में, इंसर्ट में भी कर सकते हैं और रिव्यू में भी है यही ऑप्शन ट्रैक चेंज की। सर ट्रैक चेंज मोड अलग है, ट्रैक चेंज में आप चेंजेस कर रहे हैं। नहीं, ट्रैक चेंज मोड में सजेस्ट करना कि वहां पर उसको इसी तरीके से सेम वे में आ जाता है वो। हाँ सर, ट्रैक चेंज में मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं यहाँ नहीं, रिव्यू में जाइए आप। हाँ 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 हाँ, रिव्यू में ट्रैक चेंज में आप डालेंगे कमेंट तो चला जाएगा वो। हाँ सर, वो वहाँ भी चला जाता है, न्यू कमेंट में। अगर ट्रैक रिव्यू में आप न्यू कमेंट डालते हैं। हाँ हाँ ये हाँ ठीक है सर, इसमें भी आ जाता है, परफेक्ट है, इसमें भी है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। आप क्या कहते हैं, रिव्यू से भी आ सकते हैं और आप इंसर्ट कमेंट से भी आ सकते। लेकिन इसमें ये नहीं समझ में आता कि अब जो हमारे को हाँ जी कमेंट, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू होकर के आया, हाँ जी हाँ जी, और ट्रैक और इसमें इस तरीके से कमेंट इंसर्ट होकर के आए, हाँ जी हाँ जी, तो उसको कैसे उसके अंदर वहां इंसर्ट कर दे, मतलब एक्सेप्ट कैसे करें? सर ट्रैक चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है सर, अब हमारा सर नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो ट्रैक चेंज तो बता रहे थे अभी आप। सर अभी आता हूँ, अभी तो मैंने कमेंट का आपको बताया और अच्छा, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल ऑल्ट और एम। ओके हाँ जी, हमारे को तो वो सामने वाली ठीक रहती है, ये वाली हमें याद नहीं रहती। सर फिर है ट्रैक चेंजेस। अब जैसे अगर आप इसी में ही कह रहे हैं, सो मैं इसको पहले क्या कहते हैं अपना रिमूव कर देता हूँ कमेंट। अब क्या सर, मेरे को सामने वाले से चाहिए तो मैं इसको ना कंट्रोल है, सो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो इतना पोर्शन सेलेक्ट करूंगा, या मैं चाहता हूं कि पूरे ही डॉक्यूमेंट को ट्रैक मोड में ही जाए कि अगर कहीं भी कोई चेंज हो तो ये मुझे बताएगा सर। तो सर मैं इस पे गया रिव्यू में, जैसा कि आपने अभी बताया सबको, फिर मैं जाऊंगा सर ट्रैक मोड चेंज में और मैं ट्रैक चेंजेस बोलूंगा। ठीक है सर, अब मैं अगर कोई भी एडिटिंग करूंगा, ये देखिए यहां पर ये रेड होना शुरू हो गया राइट में। ये ऑप्शन 10 में आया है, जब ये सामने वाले के पास जाते हैं तो उसको नजर आता है कि मैंने क्या क्या इंसर्ट किया। मैं अगर इसको डिलीट करता हूं, यहां भी आपको डिलीट नजर आ जाएगा, सामने वाले को नजर आएगा कि मैंने डिलीट रेड हुआ है। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट 4-5 years, इट विल बी टेकिंग दिस सैड प्रीमाइसेस and for his। सर ये जितने भी मैं चेंजेस यहाँ पे करता जा रहा हूँ, ये देखिए ये आपके सामने यहाँ पे रेड करता जाएगा, फॉर द डे ऑफ 28 June 2020। ये सब जितने भी चेंजेस हैं ये सब रेड में यहाँ पे मेरे को नजर आ रहे हैं। अब अगर मुझे इसको रिजेक्ट करना है तो मेरे पास सर यहाँ, जैसे ये फाइल मेरे पास आएगी मेरे पास यहाँ ऑप्शन होता है रिजेक्ट का, मैं चाहूँ तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो पूछा रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो मैं ऑल चेंजेस कर दूंगा। फिर ये है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो मैं एक एक देखता जा रहा हूं और मैं एक को रिजेक्ट करना है तो मैं वहां पे कर्सर रख के एक कर दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। तो इसमें तो वरुण जी यही नहीं पता चल रहा कि पहले क्या लिखा था। देखिए सर, देखिए सर, देखिए देखिए स्क्रीन देखिए सर। ओके हाँ, अब पता, ये अब ये मैंने इंसर्ट करे हैं पॉइंट, ये मैंने क्या कहते हैं डिलीट करे हैं पॉइंट। ठीक है ना सर? हाँ जी। तो ये 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 सारी चीजें क्या कहते हैं आपको, ये इसमें नजर आ गई है। तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो सर मैं सारे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। मेरा कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ का एक्सेप्ट हो गया, मेरा कर्सर मैं यहाँ रखूंगा तो ये मेरा यहाँ का एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके ये देखिए, अगर मैं चाहता हूं मैं सारे एक्सेप्ट कर लूं
एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, ये सारे एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद भी अभी क्या है, ये फाइल स्टिल जो है ट्रैक मोड चेंज में है अभी। हाँ। ये ट्रैक मोड चेंज इस पे हटा नहीं है। अब आप कहते हो कि फाइनल हो गया, ट्रैक मोड चेंज भी हटाना है, तो सर यहाँ से एक्सेप्ट ऑल चेंजेस स्टॉप ट्रैकिंग, अभी आपकी नॉर्मल फाइल बन चुकी है। ओके। अब आप इस पे जो कोई भी अगर काम करेंगे तो ट्रैक मोड में नहीं होगा। फाइन फाइन। तो इस तरीके से सर, तो सर ये एक एडवाइजेबल है, कोई भी पब्लिक मतलब डॉक्यूमेंट जहां पे हमको वेरिफिकेशन के लिए एक्सचेंज करना है किसी के साथ, जहां और जहां पे ज्यादा कंटेंट लिखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहला स्टेप जो बताया उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं लिखना, उसमें नॉर्मल आपको अपनी एडवाइस देनी है, तो वहां तो हम सिर्फ कमेंट को यूज करें, पर जहां कंटेंट हमें या हमारी टीम को ज्यादा लिखना है तो वहां हमेशा सर हम ट्रैक मोड को यूज करें, क्योंकि कई बार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम मतलब जनरली फेस हमें प्रॉब्लम कहां आती है कि हम क्लाइंट को तो अपना भेज देते हैं, क्लाइंट उसमें चेंज कर देता है पर वो ये ट्रैक मोड में चेंज नहीं करता। सही बात। क्लाइंट की मेल आ जाती है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उससे ये पता करना कि जी आपने चेंज कहां कहां करे। अब या तो प्रिंट लेके टीम बैठी रहेगी, एक एक जी टिकिंग करो वर्ड्स को या उसको कहो। तो हमेशा सर अपनी फाइल जब भी आपको ऐसी भेजनी है जहां पे आपको लग रहा है कि ट्रैक मोड चेंज होने होने हैं, तो आप हमेशा उसको ना ट्रैक मोड पहले ऑन करके भेजें। अच्छा, ट्रैक मोड ऑन करके ही उसमें सेव करके भेजें, उसको भेजो। तो सर उसमें क्या होगा, वो जैसे ही चेंजेस करेगा ना तो वो ट्रैक मोड में फाइल चल रही है। ओके। अनलेस एंड अनटिल वो ना हटा दे, वो एक अलग चीज है। हाँ ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो आप उसके थ्रू इस चीज को ट्रैक मोड को सर काम कर सकते हैं। राइट। तो क्लाइंट के पास भी सेम इस तरह सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सर ये तो वर्ड का नॉर्मल का फीचर है सर, ये तो हर उसमें नॉर्मल, ये तो वर्ड का सर बेसिक फीचर है। ठीक है सर। ओके। हाँ जी सर। अब सर मैं आपको दिखाता हूँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर याद हो तो सर कल हमने फाइल पे लॉकिंग करनी सीखी थी कि फाइल पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं। अब सर हम फाइल पे नहीं है, अब हम किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर के कंटेंट को हमको लॉक करना है सर। हम चाहते हैं कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें हम, कि भी इस कंटेंट को सिर्फ सब देख पाए, कोई चेंज ना कर पाए, जस्ट लाइक पीडीएफ। तो सर उसका भी ऑप्शन ये रिव्यू में ही आता है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। सर देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? राइट राइट सर। इस पे मैं क्लिक करता हूं सर, ये ऑप्शन मेरे पास ओपन हो जाते हैं। अब ये पूछता है कि मुझे रेस्ट्रिक्ट करना किस तरीके से है, लिमिट फॉर्मेटिंग करनी है या मुझे एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन करनी है। मैं आपको भी बताता हूं एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, अलाउ ओनली टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट। अब सर ये पूछ रहा है कि किसको, एवरीवन, कोई भी देखे, या मैं फिर यहां पे नाम फिर मेरे को बताने पड़ेंगे। अगर मैं कहता हूं कोई भी नहीं कर पाए इस पे, नो चेंजेस। अब ये कहता है यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब मैं जैसे यस किस पे करता हूं, ये मेरे से पासवर्ड पूछता है। अब मैं सर इसको पासवर्ड देता हूं। ओके। अब मैंने सर इस फाइल को प्रोटेक्ट कर दिया। अब देखिए सर मैं कोशिश कर रहा हूं इसको डिलीट करने की, मैं डिलीट का प्रेस बटन कर रहा हूं सर, ये मुझे डिलीट नहीं करने दे रहा। अब मैंने इस कंटेंट को है जो कंटेंट एडिटिंग कर दी है, ये मेरी फाइल अगर मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूं, ये देखिए मैं इसको भी सेव करके बंद करता हूं। सर देखिए ये मेरी फाइल एज इट इज ओपन हो गई है, क्योंकि मैंने फाइल पे पासवर्ड नहीं लगाया, मैंने फाइल पे पासवर्ड नहीं लगाया। ये देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मुझे डिलीट नहीं करने दे रहा, ये बता रहा है कि ये प्रोटेक्टेड है। सर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अब मैं इसका स्टॉप प्रोटेक्शन अगर कर दूंगा तो ये फाइल फिर ये मेरे से वही सेम पासवर्ड पूछेगा। अब ये मेरे को क्या कहते हैं अलाउ कर करने देगा, ये देखिए अब इसने मुझे अलाउ करने दे। तो हम सर कंटेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, खाली फाइल नहीं, हम कंटेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम अपने किसी भी ऐसे कंटेंट को जो हमको हमारा फिक्स है और हम नहीं चाहते इसमें कोई एडिटिंग करें, क्योंकि वर्ड में कॉपी पेस्ट आसान हो जाता है, तो कॉपी पेस्ट के लिए यूज करें, तो हम इसको एडिटिंग को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है सर कंपेयर डॉक्यूमेंट। अब क्या है सर, आप और हमने ये सारा काम तो कर लिया,
जो अभी हमने सारे फीचर सीखे, पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर क्या कहते हैं, क्लाइंट के पास हमने फाइल भेज दिया और ट्रैक मोड में भी करके भेज दिया, पर हो सकता है जी क्लाइंट को भी ये सारी चीजें पता हो, उसने क्या करा, सबसे पहले ट्रैक मोड ही हटा दिया और अब उसने सर चेंज करके भेज दिया। मैं आपको एक सेकंड एक डॉक्यूमेंट वैसे दिखाता हूँ पहले, ये देखिए सर, अभी आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं कि दिस इंडिचर ऑफ लीज इज मेड एग्जीक्यूटेड डैश 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 दिस एंड दिस मिसेस डैश एंड डैश, ये लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट। और ये मैं सेम इसका एक अगला डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन कर रहा हूँ सर, ये दूसरी फाइल स्क्रीन पे मेरे नजर आ रही है सर, आप देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल डाल रखी है, दिस इंडिचर ऑफ लीज इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड एट गुड़गांव। आप उस फाइल में देख पा रहे थे यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं शीला, मिसेस मोहन, नीचे वरुण गुप्ता, ये सब लिखे हुए हैं। तो सेम डॉक्यूमेंट है, एक में चेंज नहीं है, एक में चेंजेस है। अब हमारे साथ सर ये, मैं भी दोनों को बंद कर रहा हूँ, अब सर यही प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ जो भी हमने बताया कि क्लाइंट ने ट्रैक मोड हटा दिया या हम ही उसको फाइल ट्रैक मोड में देना भूल कर उन्होंने चेंजेस कर दिए। अब ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया डॉक्यूमेंट को ढूंढे कैसे कि चेंजेस करें क्या क्या। तो सर उसके लिए एक ऑप्शन आता है कंपेयर का, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत अच्छी फीचर देता है सर कंपेयर, जिसके अंदर हम दो फाइल्स को कंपेयर करते हैं। ये आप देख पाएंगे सर होम स्क्रीन पे मेरे रिव्यू में मेरे को कंपेयर नजर आता है, ये कहता है दो वर्जन को, दो डॉक्यूमेंट को मेरे को कंपेयर करता है। ये देखिए सर, ये ऐसी सी एक विंडो ओपन होती है इसमें। अब ये पूछता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है। तो सर ये देखिए यहाँ पे मैं ब्राउज कर सकता हूँ और ये ब्राउज का बटन भी मेरे पास यहाँ पे है। सर इसके साथ मैं एक छोटी सी वर्किंग की एक टिप्स और बता देता हूँ। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने ब्राउज करा तो मेरा ये ना बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट का पेज खुलता है, तो मुझे क्या सेलेक्ट कर करके जाना है मेरे उस फोल्डर पे, बार बार मुझे देखना पड़ेगा मेरा फोल्डर कहाँ है। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी ये फोल्डर ओपन है तो मैं डायरेक्ट सर इसका ये पाथ यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं सर। हाँ जी ये सर डायरेक्ट यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा और मैं इसमें आके डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए, और मैं एंटर दबा दूंगा तो मैं सीधे उसी फोल्डर पे आ गया, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, अदरवाइज मेरे को ढूंढना पड़ता है। तो ये फीचर मैं रूटीन में काम करते हुए यूज करता हूँ, तो ये चीज मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी जो मेरा टाइम सेव कर। अब देखिए सर ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो रिवाइज नहीं है। अब ये अगला डॉक्यूमेंट मेरे से पूछ रहा है अगला डॉक्यूमेंट मेरा कहाँ सेव है, तो सेम उसमें सर ये रिवाइज सेम है। अब मैं इसको कर देता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ ओके। अब यहाँ पे सर देखिए ये बता रहा है लेबल चेंजेस विद कि किसने चेंजेस किए थे इस रिवाइज वाले डॉक्यूमेंट में, वरुण गुप्ता ने। अतुल्य जी माथा क्यों पकड़ रहे हो? मजे देख रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया है। तो हाँ टाइम सेविंग है बहुत जबरदस्त तरीके से सर। अब ये देखिए आपकी मैडम के लिए तो बहुत ही बढ़िया सर, ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो ऊपर की तरफ फाइल है और ये जो नीचे डॉक्यूमेंट है ये रिवाइज डॉक्यूमेंट है, ये इस तरीके से टैपिंग दिखा रहा है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं ये बता रहा है, ये इसने रेड कर दिया, इसने बताया कि मैंने इस कंटेंट में चेंज किया, मैंने क्या करा है ये देखिए, वरुण गुप्ता लेफ्ट में देखिए ये बता रहा है कि मैंने यहाँ में लाइन जो थी उसको तो डिलीट किया है और इसमें गुड़गांव ऐड किया, ये देखिए इसको मैंने डैश टीएक्स जो था इसको हटा दिया, इसको डिलीट किया है मैंने और मैंने उसके जगह 20th डेट डाली है, ये देखिए इसको मैंने नीचे को मैंने डिलीट कर दिया, उसके जगह मैंने जून 2020 कर दिया, ये देखिए सर डॉक्यूमेंट है, आप देख पा रहे हैं सर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं जिस प्रॉब्लम के लिए क्लाइंट हमको ये बड़ी दिक्कत आती है कि ये उसने क्या क्या चेंजेस करे। तो सर ये तीन चार जो है दीज आर रिलेटेड ऑप्शंस हैं वर्ल्ड के, बट ये हमको देखना है सर किस किस फीचर्स को मुझे किस जगह पे यूज करना है, सिर्फ मुझे इस चीज को यूज करना है और इसको सर रूटीन लाइफ में यूज करते हुए हम इतना टाइम अपना सेव कर लेंगे क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है, सब चीज हमको वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सब करके दे रहे हैं, हमको सिर्फ अप्लाई करना है उसको और थोड़ा सा हमें अपने हाथ से अप्लाई करना है तो हम बड़ी जल्दी इसको सीख पाएंगे।
सुमित सतीजा जी का क्वेश्चन है कि क्या ये फीचर एक्सेल में भी अवेलेबल है? नहीं सर, ये वाली चीज एक्सेल में नहीं है, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करता है, एक्सेल में सेल्स होती है। अच्छा, तो सेल को वो ऐसे नहीं कर सर, एक्सेल में तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कंपेयर करने के लिए किसी भी चीज को। ओके, एक्सेल में तो आप कमांड मारो वैसे ही पता लग जाता है। ओके, वो एक्सेल के वर्जन में कर लेंगे हम। हाँ हाँ, वो तो एक कमांड से सर आप 100 लाइन आइटम हो उसमें पता लग जाएगा किसमें क्या चेंज, मतलब वो इक्वल है या नहीं है। ओके ओके सर। हाँ सर, वो तो सर दोनों की वो सर। और भी किसी का क्वेश्चन आ रहा है? नहीं, और तो कोई अभी क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, ठीक है सर। और मेरे को फिर मैं इसको क्या कहते हैं अपना अपने अकॉर्डिंगली इसको सर मैं यूज कर, ठीक है सर। मैं लास्ट, अब मैं नेक्स्ट उस पे जाता हूँ सर। ये है मल्टीपल कॉलम राइटिंग न्यूज़पेपर मैगजीन। तो जैसे अभी वर्ड डॉक्यूमेंट हम देखते हैं सर, ये नॉर्मली हम टाइप करते चले जाते हैं, पर हमको चाहिए मैगजीन की फॉर्म में डॉक्यूमेंट नजर आ जाना चाहिए। तो मैगजीन में जैसे हम देखते हैं तो आधे में लेफ्ट में होता है फिर राइट में होता है, तो उस तरीके से डॉक्यूमेंट को हमको बनाना। तो वो हम कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अब ये सर एक वर्ड पे डॉक्यूमेंट पेस्ट है ये मेरा। अब आप देखिए सर, मेरे को इसको ना सम सॉर्ट ऑफ न्यूज लेटर अगर मैं यूज करूं एक वर्ड, तो अब मैं को इसको मैगजीन की फॉर्म में यूज करना है सर। ये देखिए, ये सारा कंटेंट है मेरे पास। तो सर मैं क्या करूंगा, आप देखिए इसका भी प्रेजेंटेशन किस तरीके से नजर आ रहा है। सर लेआउट में हमारे पास ना कॉलम का ऑप्शन होता है 1 2 3। आप देखिए सर, अगर मैं इसको 2 करता हूं तो ये देखिए सर, आपका ये न्यूज़पेपर या मैगजीन की फॉर्म में डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो गया। और देखिए ये इसने अपने आप सेटिंग कर ली, इसमें हमने कुछ नहीं करा, इसने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ये देखिए सर, देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए, मैं सोच रहा हूँ 20-25 साल पुराना स्टाफ हो गया, कभी नहीं किया इन्होंने सर। ये देखिए, और जैसे मैं इसको नीचे करूंगा आप देखिए ये अपने आप चेंजेस कर रहा है, ये अपने आप सेटिंग कर रहा है। आप देखिए राइट से ऑटोमेटिकली अगले पेज पे लेफ्ट पे ले आया है। ये देखिए, अगर मैं जाऊंगा तो कितना समझदार है, इसको पता है कि मेरी अलाइनमेंट कहां पे है। ये ऑटोमेटिकली आपका अलाइन कर रहा है डॉक्यूमेंट। आप देखिए मिनटों में आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है आप इसको आराम से कर सकते, कोई भी नया अगर ऐड करना है तो आप और ऐड भी कर सकते हैं इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली इसका अलाइनमेंट बन गया। टेबल भी आप देखिए, टेबल की शेप इसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया। ये देखिए, तो इसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट का जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। 3 करना है तो आप 3 कर सकते हैं। कई बार आपको 1 पेजर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है, किसी को नॉलेज शेयर करनी है, कोई भी करनी है, तो आप नहीं चाहते कि बहुत बड़ा बने, 1 पेजर चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको 3 पेज भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पेज में आप 3 तक इसको सेटिंग आप अपनी बना सकते हैं। और भी कई सेटिंग उसमें दिखाई दे रही है, और क्या सेटिंग है सर? वो आप ना यूज करोगे तब आएगी। ऑप्शन तो सर बहुत सारे होते हैं, तो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट होते हैं सर। अब ये इस तरीके से शिफ्ट कर देगा, आपको राइट ही करना है या लेफ्ट करना है। So, सर ये जितना हम फीचर्स इसको यूज करेंगे ये उस तरीके से हमको दिखाएगा। ओके, हाँ। अब सर इसमें देखिए, अब हमको, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। सर ये है पेज बैकग्राउंड वाटरमार्क।
अब हमको सर कई बार ऑडिट में या कहीं पे कोई रिपोर्ट्स वगैरह भेजनी होती है, पर समटाइम्स क्या होती है कि अपनी जो रिपोर्ट होती है उसको सर हमें ना एज ए ड्राफ्ट भेजनी है, अभी वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। तो जब तक हम वर्ड में पीछे बैकग्राउंड में इसके कुछ नहीं लिखते हैं, तो एक नॉर्मल ही एक वो ना प्रॉपर रिपोर्ट के हिसाब से चली जाती है। सामने वाले को ये लगता है कि रिपोर्ट आई है, तो एक जनरल है कि वो ये भी मान सकता है कि अरे फाइनल रिपोर्ट ही दी है, तो उसके लिए मिसयूज भी कर सकता है सर। बिल्कुल मिसयूज भी कर सकता है। तो सर उसके लिए हमारे पास सर ऑप्शंस होते हैं वाटरमार्क के, डिजाइन टैबलेट है सर। आप देखिए डिजाइन टैब में यहाँ पे आपको वाटरमार्क नजर आ रहा है सर। अच्छा, इसकी सर अच्छाई क्या है कि ये आपका एडिटेबल ऑप्शन है, इसने कुछ बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं, कुछ आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए सर, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, ये देखिए सर, ये बाय डिफॉल्ट वाले ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल डू नॉट कॉपी, ये देखिए कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी, ये देखिए सर। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को भी इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। सैंपल है तो सैंपल है, सैंपल इस तरीके से लिखना है आपको, इस तरीके से लिखना है। अगर मैं इसको करता हूँ, जैसे आप देखिए वाटरमार्क में आपको ड्राफ्ट नजर आ जाएगा। सर देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो सर जब भी, जैसे कल हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप किसी को भी डॉक्यूमेंट अगर आप भेजते हैं पीडीएफ बना के भेजें, उसी में ही आप पहले वर्ड में अगर ये ड्राफ्ट लगा देंगे तो आपकी पीडीएफ में वो एज ए ड्राफ्ट जाएगा उसके पास, तो ये बड़ा ही क्लियर रहेगा। एक तो वो चेंज नहीं कर पाएगा इसमें कुछ भी, दूसरा हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ड्राफ्टेड है, ये फाइनल नहीं है, फाइनल हम आपको बाद में भेजेंगे। और सर देखिए अब इसमें हमको इसके साथ साथ ये एडिटिंग के ऑप्शंस भी देता है, कस्टम वाटरमार्क, ये देखिए सर। अब ये कहता है कि आप अपने भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। टेक्स्ट डालना क्या है, अभी हमने जैसे ड्राफ्ट सेलेक्ट किया तो ड्राफ्ट डालना। अब मैं सर इसमें डालता हूँ CAVM, ये देखिए सर, मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखिए पीछे का ड्राफ्ट चेंज हो गया, CAVM हो गया। आप इसके जाके किया आपने सर वाटरमार्क, वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क, उसके अंदर ये टेक्स्ट वाटरमार्क, इसमें टेक्स्ट यहां लिखना होता सर टेक्स्ट। ओके, अब आप देखिए कि मेरे को इसको कलर भी देना है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा वाटरमार्क है वो ये कलर का ना हो, कलर भी होना चाहिए उसके अंदर। ये देखिए सर, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ गया, मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए सर अप्लाई, ये देखिए सर क्लोज, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, इम्प्रेशन उभर के आ गया, इम्प्रेशन उभर के आ गया सर। आप देखिए कहीं भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फाइनल भेजना है तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट है जो हमको एज ए ड्राफ्ट भेजना है तो आप ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट को भी कलर कर सकते हैं। और जब हमको चाहिए कि अब जैसे ड्राफ्ट हमने डॉक्यूमेंट तो भेज दिया फाइनल हो गया, तो मैं इसमें रिमूव वाटरमार्क कर दूंगा, जैसे मैं रिमूव करूंगा वाटरमार्क आउट हो गया, तो अब मैं इसको फाइनल की तरह यूज भी कर सकता हूँ। कई जगह हमको चाहिए तो हम इसके बैकग्राउंड में एज ए फाइनल वाटरमार्क लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सर हम इसको अपना क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपना लोगो भी यूज कर सकते हैं, नाम भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये लोगो कैसे लगेगा अगर सर, लोगो के लिए भी ये आपको ना ये ऑप्शन देता है सर, पिक्चर का सेलेक्ट पिक्चर। ओके, तो वही ब्राउज करके सर पिक्चर पे ले जाएगा, तो आप पिक्चर इसमें सेलेक्ट। तो ये भी सर आप कर सकते हैं इसके। और ये पेज बॉर्डर क्या है इसमें? हाँ सर, अब मैं ये आपको बताता हूँ। अब है सर पेज, अब जैसे मैंने ये तो बना लिया, अब मैं चाहता हूँ उस पर बॉर्डर भी होनी चाहिए, जैसे एक न्यूज़लेटर टाइप मैंने समझ लिया डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लिया। मैं इसको सर अभी ना दो में करता हूँ पहले। अब सर ये तो मैंने डिजाइन कर लिया, पर ये थोड़ा सा ना मतलब रूखा सा नजर आ रही है ये फाइल, तो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ी सी बॉर्डर कर दें, मतलब एक ब्रैकेट सी नजर आनी चाहिए। यस यस, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो देखने में सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है सर, तो मैं वापस वहीं जाऊंगा डिजाइन में, पेज बॉर्डर। अभी ये बाय डिफॉल्ट आप देख सकते, बाय डिफॉल्ट अभी नन है, जैसे मैंने इस पे बॉक्स पे क्लिक करा, ओके, ये देखिए सर बॉर्डर बन गया डॉक्यूमेंट का।
आपके हर पेज पे बॉर्डर होंगे। अब आप देखिए ये थोड़ा सा आप देख पाएंगे कि पहले से काफी बेटर डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैं चाहता हूं सर बॉर्डर मेरी ब्लैक ना रहे, मेरी बॉर्डर में भी कलर आना चाहिए। तो ये देखिए सर कलर, मैं इसको कहता हूं ये मेरी ब्लू कलर की होनी चाहिए। ये देखिए सर आपकी बॉर्डर ब्लू हो गई है। सर देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अब सर आप कहते हैं कि सर मेरा पेज भी ना थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओनली व्हाइट। तो मैं अपने पेज को भी कलर कर सकता हूँ सर। ये देखिए पेज के साथ मैं कहता हूँ ये ब्लू बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर है ये थोड़ा सा ना चेंज हो जाए, सो सम सॉर्ट ऑफ ऑरेंज में शेप में नजर आए मेरी बॉर्डर। ये देखिए सर, तो ये मेरा सम सॉर्ट ऑफ एक नॉर्मल ही फीचर्स के साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये चाहें कि ये टाइटल जो है, हाँ जी हाँ जी, ये टाइटल भी सारे हाईलाइट हो जाएं या टेबल इसके कोई वो बन जाए इनका कोई। सर ये तो वर्ड का सर ये तो एडिटिंग है ना, तो ये तो आप कर ही सकते हो, ये अलग से करना पड़ेगा। हाँ सर ये तो, सर ये तो डॉक्यूमेंट आपका बन गया ना, इसका साइज तो मैं आराम से चेंज कर ही सकता हूँ। ये देखिए नहीं साइज नहीं, इसके ऊपर कुछ वो आ जाए कलर, मतलब कलरिंग आ जाए या कुछ सर, इसका आ जाए कलर मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, वो वहां से चेंज करना पड़ेगा। इसका हा? कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ओके ओके, ये कंटेंट का कलर है ना सर, वो मेरे पेज का कलर है, वो मेरे को पेज का बैकग्राउंड है, ये मेरा कंटेंट है। ओके तो मैं कंटेंट में भी चेंज कर सकता हूँ, ये मैं जैसे चाहे सर मैं वैसे इसको यूज कर सकता। बॉर्डर में और क्या ऑप्शंस हैं? यही ऑप्शन है बस, और भी कुछ ऑप्शन आती है बॉर्डर? बॉर्डर बड़ी छोटी मोटी बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा बहुत सारे, ये देखिए कहाँ से आते हैं वो? ये ना बॉक्स शेडो, ये बॉक्स आप, अच्छा ऐसी वाली बॉर्डर भी यूज कर सकते हो। ये देखिए डॉटेड 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 के साथ बॉर्डर बन गई। तो आपको जो बॉर्डर आपको अच्छी लगे आप उसको यूज कीजिए सर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कलर थोड़ा चेंज करो सर, मैं चेंज कर दो कलर, चेंज इस कलर में कुछ दिखाई नहीं। हाँ हाँ कलर चेंज कर। ये देखिए ऐसे वाली बॉर्डर चाहिए, ऐसे वाली बॉर्डर यूज कर सकते हैं। आपको जैसे बहुत सारे सर ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये देखिए ऐसे बॉर्डर यूज करनी है, ऐसे वाली बॉर्डर यूज कर लीजिए सर, बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन है, आपको जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप जो चाहे तब उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर आप जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पीछे शेडो आ गई, ऐसा चाहे तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आप जिस भी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को जैसा मतलब काम इस पे करना चाहते हैं सर, ये आप जैसा जैसा सजाना चाहते हैं वैसा वैसे सजा सकते हो। परफेक्ट सर, बिल्कुल बढ़िया। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस सर। तो सर ये बड़े छोटे छोटे टूल्स हैं और ये इनबिल्ट टूल्स हैं, पहला डिक्टेशन को छोड़ दो बाकी ऑलमोस्ट अवेलेबल टूल्स हैं। आप बस एक रिक्वेस्ट में अगेन कर रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट 2013 तक आप अपना प्लीज सिस्टम को अपडेट करा के रखें और एक विंडोज 10, ये दो चीज आप बिल्कुल यूज करें, मतलब मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम। सर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मेल मर्ज, आई थिंक सचिन जी हमारे साथ अब आ गए हैं। सचिन जी सचिन जी सचिन जी है कहीं, दिख नहीं रहे। एक सेकंड सर, वो आ तो गए थे, एक सेकंड वो आई थिंक आउट हो गए वापस। कोई बात नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, हमारे पास 10 ही मिनट बचे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो एक्चुअली सर जो मेल मर्ज वाला ऑप्शन था ना, नहीं तो आप कोई और कर लीजिए, कोई बात नहीं बाकी तो आई थिंक अच्छा। हाँ ठीक है, तो मीनवाइल मैं आपको सर एक चीज और बताता हूँ। नहीं मुझे, हाँ नहीं आप एक बार वर्ड पे जाइए, मेरे को एक क्वेश्चन हाँ, पूछना हाँ, हाँ, फिर आप बताइएगा। एक एक सेकंड सर, हाँ जी सर, वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिए, वर्ड वर्ड खोलिए, वर्ड ही है सर, वर्ड ही है, नहीं दिख नहीं रहा। हाँ ये जो स्टाइल्स है ना ये वाले, ये क्या स्टाइल है और ये कैसे वर्क करते हैं? ये वाले सर, ये वाले सर, ये देखिए ये ना छोटे छोटे स्पेसिंग के हिसाब से इन्होंने निकाला हुआ है, नॉर्मल स्पेस का हिसाब है, नो स्पेस। तो आप देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे डॉक्यूमेंट का स्पेस आउट हो रहा है,
आप ये ड्यू डेट्स ऑफ इनकम टैक्स वाला देखिए, ये देखिए, ये मेरा सिलेक्टेड है, इसमें स्पेस आउट हो गया, जैसे मैंने नो स्पेसिंग, तो इट इज सेइंग नो स्पेसिंग। ओके, हाँ, ये मेरे को सर हेडिंग अगर ऐसे बनानी है तो ये मेरी हेडिंग ऐसे चेंज हो जाएगी। तो जैसे समटाइम्स होता है सर, कोई डॉक्यूमेंट को ना नॉर्मल डॉक्यूमेंट से हमको अट्रैक्टिव बनाना होता है, तो हम किसी में भी पर्टिकुलर में जाके ये वाला चेंज करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पैरा पे जाके आप इसको आराम से चेंज कर, या पूरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कर, पूरा करना सर पूरा कर सकते हैं। तो ये तो सर इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए। ओके, तो आपकी कलरिंग, हाईलाइटिंग और ये सब चीजें कर देगा, ये सर चेंज हो जाएगा ये उसके हिसाब से। ओके, हाँ हाँ। और ये वाला जरा ऑप्शन बताइए सर, ये जो करते हैं ना ये वाला ऑप्शन, ये पैराग्राफ में जहां पर ये दिए हुए इंडेंट वाले, कौन से सर? ये इंडेंट वाले व्यू के नीचे जो आ रहे हैं, एक सेकंड सर, एरो बनी हुई, हाँ व्यू के नीचे जो एरो बने हुए आ रहे हैं, एक सेकंड अच्छा ये कह रहे हैं सर? हाँ ये हाँ सर, ये तो कल वो... नहीं इसके वो वाला पहले वाला, हाँ ये वाला? ये हाँ सर, ये है थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को और साइड में शिफ्ट करने के लिए, वापस इसको लेके जाना अच्छा। है तो वापस आने के लिए, ओके, जैसे कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाना है आपको, हाँ तो उतना कंटेंट उतना सो सर ये बेसिकली क्या है, ये ना हाईलाइटेड के लिए है चीजें, कोई स्पेसिफाइड किसी कंटेंट को आपको हाईलाइट करना हो ना अलग से, कि आपको लगता है कि अलग से नजर आना चाहिए, हाँ ये हमारे को बड़ा जरूरत पड़ती है कभी कभी, जब साइटेशन कोट करते हैं बिल्कुल, तो साइटेशन को या हम लॉ का जो सेक्शन कोट करते हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें अदरवाइज वहां से इंडेंट सेटिंग करनी पड़ती है, जी तो ये सब चीजें आप सर इनसे यूज कर सकते हैं सर। इतने में आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, बताइए सर, पीडीएफ फाइल में डीएससी कैसे लगाना है? ओके, आजकल सर जमाना अब हमारा क्या हो गया ना सर, डीएससी मतलब ई डॉक्यूमेंट हो रहा है, अब हम ऑफिस में बाहर बैठे हैं साइन तो कर नहीं पा रहे डॉक्यूमेंट, तो अगर आप आज देखेंगे तो हर डॉक्यूमेंट जो है क्या कहते हैं सर ई हो रहा है, तो ई पे हमको क्या नॉर्मल पीडीएफ फाइल पे हमको फिर डिजिटल सिग्नेचर अपने लगाने पड़ेंगे, तो उसके अंदर आप डिजिटल सिग्नेचर अपना कैसे अटैच कर सकते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ सर, मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया है सर इस फाइल में, एक सेकंड, आजकल सर ये बड़ा ही मतलब रिक्वायर्ड हो गया हमारे प्रोफेशन के लिए, तो बिकॉज अब सब डॉक्यूमेंट ई डॉक्यूमेंट होते जा रहे हैं, तो नॉर्मल पीडीएफ फाइल में फिर कैसे लगाया जाए, क्योंकि आरओसी या डिपार्टमेंट की फाइल तो कंपेटिबल होती है, तो उसमें तो डीएससी हमको कुछ देखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सिर्फ उस पे पॉइंट पे जाते हैं और सीधा लगा देते हैं, बट एक नॉर्मल पीडीएफ फाइल पे हम कैसे लगाएं, एक सेकंड सर ये फाइल ओपन होती है, सर मेरी स्क्रीन में पीडीएफ फाइल ओपन हो रही है, आपको नजर आ रही है? नहीं अभी नहीं, एक सेकंड सर, अब नजर आ रही है? नहीं आ रही, आ रही है सर अब आइए, हाँ सर, सर ये एक पीडीएफ फाइल है, सपोज अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरे को ऐसा पीडीएफ का है मुझे उस पे सिग्नेचर लगाना है सर, तो मैं सिग्नेचर कैसे लगाऊंगा, तो सर मैं ये मैंने पीडीएफ में अपनी ये फाइल को खोली, यहाँ पे सर ऑप्शन होता है फाइल एंड साइन का, फिल एंड साइन सॉरी, फिर सर इसके अंदर ऑप्शन आता है प्लेस सिग्नेचर, ओके, सर ये देखिए ये मैंने बॉक्स बनाया,
ये देखिए सर, इसने मेरे डीएससी को ढूंढ लाया, ये अभी ये चल रहा है, थोड़ा पीडीएफ फाइल है, थोड़ा टाइम लेती है। ये देखिए सर, मैंने इसको कर दिया सर साइन। सर देखिए बॉक्स नजर आ गया आपको, अब ये फाइल को मैं सेव एज बनाता हूं, सेव। ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, सर आप देख पा रहे हैं इस प्रोसेस को? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए सर, मेरा डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड हो गया सर। अब सर इनवॉइसेस भेजने हैं, मैनुअली साइन तो अवेलेबल नहीं है। ये देखिए सर, तो हम डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। कई क्लाइंट्स की ही रिक्वायरमेंट है कि उनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो लोग अब सब कह रहे हैं कि आप डिजिटल साइन करके सिग्नेचर भेजें। तो आई थिंक हमारे पास तो काफी क्वेरीज आती है, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी आती है, कि क्लाइंट ये पूछता है कि हमारे बिलों पे डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगाना है हमें बताइए, क्योंकि जो उनका क्लाइंट है आगे वो बिल नहीं ले रहा है, जो उसका क्लाइंट है वो बिल नहीं ले रहा है। लगा सकते हैं है जी, किसी भी सर्टिफिकेट पे, किसी भी एक पेज प्लेन। हाँ सर, पीडीएफ पीडीएफ लगाने तो उसको लगा सकते, पीडीएफ फाइल पे, पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए सर, नहीं मैंने देखा है कई बिलिंग वगैरह इनवॉइसेस आजकल वो डिजिटली सेंड करके, बिल्कुल वैसे ही हो गया सर, बिल्कुल। तो सर वही चैलेंज है, अभी क्या होता है ना, अभी जैसे हम यूज करते हैं, हम इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आरओसी का यूज करते हैं सर, वो सारे ना ऑटोमेटिकली जो पीडीएफ फाइल होती है वो ऑलरेडी कंपैटिबल होती है, तो हमें उसमें ये नहीं पता होता कि सिग्नेचर लॉजिकली लग कहां रहा है। हम तो सिर्फ पेन ड्राइव लगाते हैं, वो पीछे सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली उसी प्लेस पे जाके काम कर जाता है। अच्छा, पर यहाँ सर हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम नॉर्मल फाइल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सर, आप बड़े प्यार से आप लोग सर इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी सर ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी हो डिजिटली साइन कर सकते हो आप इसके, कोई भी आपका लेटर ऑफ एंगेजमेंट है क्लाइंट के साथ साइन करना है, दोनों पार्टियों ने, दोनों पार्टी एक सिंगापुर बैठे एक आप यहाँ बैठे हो, साइन तो हार्ड कॉपी कैसे होंगे, आप इसके थ्रू सर उसको डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। नहीं, हम तो पहले उधर से साइन करा के मंगाते हैं, फिर अपने साइन मंगाते हैं, फिर स्कैन करके भेजते, बिल्कुल सर। तो सर आप ये देखिए सारी चीजें आप कितने क्या कहते हैं डिजिटलाइज सर, एक्चुअली टाइम चेंज हो गया ना, अभी तक तो चीजें रूटीन में सर सब चल जाती थी, पता नहीं लगता था, पर अब के आप टाइम सर चेंज हो रहा है, तो जो रिमोटली चीजें काफी हो रही है, तो रिमोटली चीजें अगर हो रही है तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं सर। सो आज का सर आई थिंक फिर मेल मर्ज तो टाइम हो गया, हम फिर नेक्स्ट सेशन में कभी रख लें या अभी कराएं बताइए? मेल मर्ज और कर लेते हैं, एक सेकंड सर, सचिन जी अवेलेबल जुड़ गए? हाँ सचिन जुड़ गए हैं। अरे वेरी गुड सचिन जी, सचिन जी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। वेलकम सचिन जी, बहुत अच्छे अच्छे फीचर है भैया। गुड इवनिंग सचिन जी, आइए आप शुरू कीजिए। कौन जी होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट आवे? सचिन जी कर दिया, ट्राई कीजिए दोबारा ट्राई। अब आ गए सचिन जी? हाँ, मेल वाइज हम अपना स्टार्ट करना है, तो मेल वाइज उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, ये बेसिक लिस्ट है। मेल वर्ज में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो सेम है, लेकिन हमें अपने डॉक्यूमेंट मतलब वो सेम कंटेंट का हमें अलग अलग कंपनी के नेम पे या अलग अलग पर्सन के नेम पे हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, आप लेटर हो सकता है वो, या आपको ईमेल बनानी है अलग अलग पर्सन के नेम पे, तो वहाँ पे हम मेल वर्ज यूज करते हैं। तो मेरे पास ये बेसिक लिस्ट है कि टाइटल क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उस बंदे का फर्स्ट नेम क्या है, उस बंदे का एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, और उसका ईमेल एड्रेस। तो आपको एक स्क्रीन देखिए, तो मैंने बस ये सबसे पहले ये बेसिक फाइल बना ली है, इसे हम कह सकते हैं अपनी रिसिपिएंट फाइल कह सकते हैं इसको हम,
कि जिन जिन लोगों को हमें अपना लेटर भेजना है या जिन जिन लोगों को हमें अपनी ईमेल भेजनी है उसकी हमें सिर्फ एक एक्सेल फाइल बनानी है। यहाँ पे ये मैंने एक एक्सेल फाइल बना के अपनी सेव कर ली है, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपना लेटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा लेटर है, मतलब बेसिकली 16 डे हो गया है बिजनेस को करने पे, तो उसके लिए लेटर है। सबको ये स्क्रीन विजिबल है राइट वर्ड की। तो हम मेलिंग्स पे जाएंगे, हमको क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज। तो बेसिकली हम दो चीजें जो मोस्टली हम लोग करते हैं, दो चीजें हम देखेंगे, लेटर्स एंड ईमेल मैसेजेस दोनों। तो सबसे पहले हम लेटर्स पे कर लेते हैं। लेटर्स हमें इस पे क्लिक नहीं करना है, हमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, मेलिंग्स पे जाके स्टार्ट मेल मर्ज सबसे लास्ट में है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसपे हमने क्लिक किया, अभी के साइड में ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कि ये मेल मर्ज विजार्ड अपना आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमसे पूछा है कि आपका मेल मर्ज लेटर है या ईमेल मैसेज है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये मेरा लेटर है, लेटर पे मैंने सेलेक्ट किया, ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेटर्स। इसके बाद मैं गया नीचे ये स्टेप्स दिखा हुआ है कि टोटल मेल मर्ज में आपके टोटल कितने स्टेप्स हैं। तो मेरा पहला स्टेप है तो मुझे ये बताना है वर्ड को कि ये लेटर है या ईमेल मैसेज है। तो सबसे पहले मैंने इसे बता दिया ये मेरा लेटर है। नेक्स्ट, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो ये करंट डॉक्यूमेंट है इस पे मेल मर्ज यूज करना है या आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो मुझे नया डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, मैं मुझे इसी वाले अपने कंटेंट पे अपना मेल मर्ज यूज करना है। मैंने अपना कंटेंट टाइप कर दिया है, उसके बाद में मेल मर्ज ऑप्शन अपना यूज कर स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा स्टेप टू हो गया। नेक्स्ट, अब ये मुझसे पूछता है कौन कौन से आपके रिसिपियंट्स हैं। जो मैंने जैसे आपको बताया लिस्ट है, तो एक ऑप्शन होता है कि आप टाइप कीजिए टाइटल, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, ऐसे करके आप टाइप कर सकते हैं। ये आपके बेसिकली ऑप्शंस हैं कि मेल मर्ज में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। टाइटल यूज कर सकते हो, फर्स्ट नेम यूज कर सकते हो, लास्ट नेम आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी फील्ड्स हैं बेसिकली, या आप इसकी एक एक्सेल फाइल बना लीजिए। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने एक ऑलरेडी एक्सेल फाइल बनाई हुई है। तो आई विल सेलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। वैसे रिसिपिएंट्स का आपको यहाँ पे डिटेल लेनी है, तो डिटेल आपकी या तो आप टाइप कीजिए नई लिस्ट बनानी है। तो अगर आपको यहाँ पे आपको एक एक एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करने से अच्छा आप पहले से उसकी एक एक्सेल फाइल बना दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल बना रखी है उसकी। आई विल सिंपली ब्राउज माई फाइल, और जैसे बहुन जी ने बताया मैं ऑलरेडी यहाँ पे जाना है, तो मैं ढूंढने की जगह यहाँ पे अपना एड्रेस उसका कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सेल फाइल है उसकी, अपनी लिस्ट की। इसको मैंने सिंपल सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये मुझसे पूछेगा, हो सकता है मेरे डेटाबेस में 100 डेटाबेस हो, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ 100 में से 10 अपने 10 लोगों को लेटर भेजना है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मुझे कौन कौन से लोगों को लेटर भेजना है, मैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जितने लोग हैं उन सबको मुझे अपना लेटर भेजना है, तो सेलेक्टेड ऑल, ओके। तो ये मेरा ये वाला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट किया अपने लेटर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि ये मेरा कंटेंट है, आपको जो भी आपके नेम है, टाइटल है, या जो भी आपने डाला है उसको आपको कहाँ कहाँ पे डालना है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ये देता है, आप इंडिविजुअली भी डाल सकते हो, टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, यहाँ पे एंटर करके आप इंडिविजुअली भी डाल सकते हो। पर लेकिन आपको पता है कि आपको नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है एड्रेस ब्लॉक। तो ये ऐसे करके आपका एड्रेस ब्लॉक आएगा, ये नाम आ गया, ये सरनेम आ गया उनका, और यहाँ पे ये एड्रेस आ गया। तो ये आप ऑप्शंस भी देता है, आप अलग अलग करके यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिस मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, या सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, या सिर्फ सेकंड नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कंप्लीट नेम ले लेता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया, ये एड्रेस ब्लॉक आ गया। अभी सेकंड आ गया हमारे पास ग्रीटिंग लाइन। तो ये आपको ग्रीटिंग में ऑप्शन देता है, आपको यहाँ पे ग्रीटिंग में
मिस्टर रखना है, मतलब फर्स्ट नेम रखना है, सेकंड नेम रखना है, उसके बाद ये आपको यहाँ पे डियर रखना है, टू करना है या नन करना है। इसके बाद ये भी आपको ऑप्शन देता है कि आपको ग्रीटिंग लाइन में क्या चाहिए, डियर सर मैडम टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, ऐसे करके ये आपको ऑप्शन देता है। ये आप अपना कस्टमाइजेशन भी, ये आपको प्रीव्यू है यहाँ पे कि ये आपका कैसा दिखेगा। इसको मैंने ओके कर दिया तो आपके यहाँ पे दो मेल लेटर पे मैंने दो चीजें इंसर्ट कर दी, एक एड्रेस ब्लॉक, एक ग्रीटिंग्स। तो आप देखिए मेरा ये स्टेप फोर था, स्टेप फोर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मेरा लेटर मुझे एज इट इज सेंड करना है, यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए, यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन आनी चाहिए और ये लेटर मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए। इसके बाद में जितने भी मेरे रिसिपिएंट है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, प्रीव्यू योर लेटर्स। आप देखिए कहाँ से जा रहे हो आप बार बार? सर ये नीचे आ रहा है आपका स्टेप, ये ओके 5 of 6, ये मैं पीछे गया, ये मैं आगे गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टेप था कि मुझे अपने लेटर में जहां जहां पे भी मुझे अपने बेसिकली कंटेंट पे वो चाहिए, नाम चाहिए, टाइटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यूजिंग दिस एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, या अगर मुझे इंडिविजुअली पोस्टिंग करनी है तो मैं इंडिविजुअली पोस्टिंग कर सकता हूँ उन सब आइटम्स की। अब मैं यहाँ पे क्या प्रीव्यू योर लेटर्स, आप अपने लेटर प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये मेरा पांचवा लेटर, ये 6 लेटर। तो मेरे पास जितने जितने मेरे बेसिकली एक्सेल फाइल में जितने लोगों का मेरा डेटा बेस था उन सब का मेरा लेटर ये बन गए, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास कम्प्लीट द मर्ज। कम्प्लीट द मर्ज बेसिकली आपके जितने भी लेटर्स हैं, जितने रिसिपियंट की लिस्ट है उतने लेटर ये आपको वर्ड बना दे, कम्प्लीट द मर्ज। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आपको प्रिंट करना है या आपको पहले इंडिविजुअल लेटर्स एडिट करने हैं। तो मुझे सारे लेटर्स एज इट इज प्रिंट करने हैं, प्रिंट पे गया, ऑल ओके। अभी मैं इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं करवा, मैं इसको पीडीएफ में प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंटिंग हो गई अभी। ये एक बार में कितने कॉन्टैक्ट्स को आप कर सकते हो? जितने भी एन नंबर। तो ये मेरे पास मेलर्स लेटर्स आ गए, आप देखिए ये मेरे लेटर्स प्रिंट हो गए अलग अलग नाम से। तो ये आपके लिए हो सकता है, कोई भी लेटर के लिए हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी एक एक्सेल फाइल बनानी है, अपने लेटर के कंटेंट पे जाके आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है कि कौन सी फील्ड आपको चाहिए। हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हम बैक चले आते हैं। तो ये मैंने आपको बोला ये मेरी फील्ड सेलेक्ट करने का है, तो इंडिविजुअली आपको अगर कुछ चाहिए तो इंडिविजुअली आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम स्पेस और आपको लास्ट नेम चाहिए। तो ये आपका उतना ही पार्ट दिखाएगा। और मैं प्रीव्यू लेटर्स पे गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ गया। तो ये तो हो गया हमारे लेटर्स जब हमें हार्ड कॉपी में प्रिंट करने हैं, या हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी में बेसिकली पीडीएफ में प्रिंट करना है। तो ये मेल मर्ज हो गया। अब इससे मतलब और एडवांस फीचर है, इसको डोंट सेव करके बेसिकली आपके पास एक आजकल में हार्ड कॉपी हम कहीं नहीं भेजते, मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको भेजना भी एक, अगर हमें ये सिंपल मेल भेजना है तो आई प्रेफर पर्सनली, या आप लोगों की प्रेफरेंस होगी कि ये डायरेक्टली मेल चले जाए, ठीक है। तो मेल मर्ज हमें ये ऑप्शन भी देता है। तो हम फिर से मेल में गए, अगेन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। अब मैं यहाँ पे लेटर्स नहीं करके इसको ईमेल मैसेज कर देता हूँ, क्लिक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अभी आप देखो ये ईमेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वर्ड है आपका
लेकिन ये मुझे ईमेल वाला लुक दे रहा है। अब ये पूछा यूज करेंट डॉक्यूमेंट, यस यूज करेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट रिसिपिएंट लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट है मेरे पास, बॉस करके मैं गया, ये लिस्ट मैंने अपनी सिलेक्ट कर ली। ओके ये मुझे सारे पार्टिसिपेंट्स को भेजना है। ओके अब राइट योर लेटर, सेम एड्रेस ब्लॉक, और ये मेरा पार्ट हो गया, यहाँ पे आगे ग्रीटिंग लाइन। ओके तो अगर मैं ईमेल भेजा हूँ तो मुझे पैसे बेसिकली एड्रेस ब्लॉक की नीड नहीं है, मेरा ग्रीटिंग लाइन से काम चल जाएगा। लेकिन मैं इसमें एड्रेस ब्लॉक इंक्लूड करवाऊँ, अब आप देखिए प्रीव्यू होगा ईमेल, ये आपके ईमेल का प्रीव्यू आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए सिर्फ आपको कहना है कंप्लीट दी मर्ज, ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब है आपके मेल्स जा चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये बेसिकली डोमेन, ये ऑलरेडी मेल जा चुके हैं, इससे मैं दिखा रहा हूँ प्रीवियस में गए, ये कंप्लीट दी मर्ज, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस, कि मुझे अपने ईमेल एड्रेस पे भेजना है। सब्जेक्ट लाइन क्या रख रही है, एनिवर्सरी मेल, अब मैंने ओके कर दिया, ये एक एक करके मेरे मेल चले गए। आप देखो अभी 9:13 हुए हैं, ये एक एक करके मेरे मेल चले गए। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल फीचर है, अगर आपको बल्क में ईमेल करना है और बल्क में लोगों को करना है सेम कंटेंट के साथ में, ये देखिए सारे ईमेल्स मेरे अभी चले गए। ईमेल एड्रेस के लिए कहाँ से सिलेक्ट किया आपने? सर मैंने ये देखिए एक मिनट, ये मेरा फिफ्थ स्टेप था, डिसमिस, ये प्रीवियस में मैं गया, ये मेरे ईमेल में प्रीव्यू ईमेल हो गया, ये मैंने कंप्लीट कर दिया कंप्लीट मर्ज। इसके बाद ये मुझसे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल में मैंने ये अपना टू में ईमेल एड्रेस सिलेक्ट किया। तो बेसिकली जब मैंने अपनी फाइल बनाई ना, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ईमेल एड्रेस डाले हुए हैं। वो तो मैंने देखा, मतलब इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं ये मेरा जो है ये ए से लेके एफ तक जो है बाय डिफॉल्ट मेल मर्ज उसको एड्रेस ब्लॉक में काउंट करता है कि भाई ये आपका जो है एड्रेस ब्लॉक है, नाम आना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सिटी होना चाहिए और स्टेट होना चाहिए। जब मैंने एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया तो उन्हें ईमेल एड्रेस को नहीं लिखा कहीं पे भी, लेकिन जब मैं उसको मेल मर्ज पे जब मैंने लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक ईमेल किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि टू में आपको कहाँ भेजना है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मेरे ईमेल एड्रेसेस मेरे ईमेल एड्रेस वाले कॉलम में है। वो 6 नंबर पे होना चाहिए। मैंने अपनी सब्जेक्ट डाल ली। ओके करते ही मेरे सारे मैसेज चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे हमने देखा टू लिखा वहां आपने उस कॉलम का हेडिंग लिखा ईमेल एड्रेस है ना। तो ये देखिए सिंपल लिखा हुआ है, जैसे जैसे मेरी एंट्री होती है ना मेल मर्ज में टाइटल लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो सेम हेडिंग डाल के मैंने उसकी एक्सेल फाइल बना दी। ठीक है सर। तो बेसिकली मतलब पहले मेल मर्ज आया था डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए हार्ड कॉपी, लेकिन इसने अपने आप ही, क्योंकि आज की तारीख में हम हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं करते हैं, ईमेल मैसेजेस भेजते हैं, तो हम उसको ईमेल भी कर सकते हैं बल्क में ईमेल। सचिन जी मैं जानना चाहता हूं वो जीमेल रखना है क्या उसको ईमेल एड्रेस को? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये दो कॉलम रखोगे बेसिकली, आप मतलब ये बेसिकली मैंने लिया है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस सिटी, तो जैसा कि मैंने बताया अगर आप मेल वर्ज में जाओगे ना आप, तो ये आपकी रिसिपिएंट लिस्ट होती है, तो ये आप यही ऑप्शन डिफाइन कर सकते हो, टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम एड्रेस सिटी स्टेट जिप कोड कंट्री फोन नंबर ईमेल एड्रेसेस। ओके तो आपको ऐसा नहीं है सिर्फ दो कॉलम से भी आपको मेल मर्जिंग करनी है, सिर्फ फर्स्ट नेम होना चाहिए, आप एक कॉलम की लिस्ट बना लो एक्सेल में। ठीक है ओके
कि एक कॉलम आपका फर्स्ट नेम का हो गया, एक 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 कॉलम आपका ईमेल एड्रेस का हो गया, तो वहां पे आ जाएगा डियर फर्स्ट नेम और ईमेल चले आएगा। अच्छा, जाता है तो मैंने आपको बोला वो माइक्रोसॉफ्ट आपस में कोऑर्डिनेशन करते है ना, तो जैसे हमारा तो आउटलुक ब्लॉक हुआ हुआ है यार, पता नहीं क्यों हुआ हुआ है ब्लॉक। ब्लॉक तो नहीं होना चाहिए, आउटलुक तो सर ब्लॉक नहीं होता जनरली, क्योंकि वो तो फ्री वाले उस पे आराम से काम करता है। पता नहीं यार वो ब्लॉक हो चुका, हम अलग से देख लेंगे सर उसको, अलग से देख लेंगे पे ना, तो वो सिस्टम आप एक बार दिखा दीजिएगा, उसको यूज कर लेंगे सर। एक्चुअली क्या है, अगर आप थोड़ा सा इस चीज को कनेक्ट करें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक अलग ऑल टुगेदर सॉफ्टवेयर अपने चला रहा है, तो उसके जितने भी अपने सॉफ्टवेयर्स है ना, वो सारे के सारे आपस में कंपेटेबल है। जैसे कल हमने देखा था, कल हमने शेयर का देखा था, तो जब मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ ईमेल एज अटैचमेंट, तो ऑटोमेटिकली आउटलुक पॉप अप कर देता है। वो आउटलुक वाला ऑप्शन है, जैसे कल हमने आपको वो दिखाया था क्लिप बोर्ड का दिखाया था, कि मैं वर्ड में क्लिप बोर्ड कर रहा हूँ तो अगर एक्सेल में भी जाके देखूंगा तो वो नजर आ जाएगी, पावर पॉइंट में जाके देखूंगा तो भी नजर आ जाएगी। राइट, ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है सारे सारे, तो जो आउटलुक है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो कोई भी आइटम हम माइक्रोसॉफ्ट की यूज करेंगे तो आउटलुक की सपोर्टिव हो जाती है। राइट सर। अच्छा, इसमें सर कुछ क्वेश्चन है, क्विकली ले लीजिए आप चैट बॉक्स खोल करके। जी हाँ सर, ये है डिक्टेशन इज कमिंग इन माय लैपटॉप, इसका तो आंसर आई थिंक दे ही दिया हमने सर कि सर डिक्टेशन वाला 2010 में विंडो में मैंने आपको बताया है, बट वो इतना कंपेटेबल नहीं है जो कंपेटेबल एमएस ऑफिस में है, और 2000 एमएस ऑफिस 2013 में ये अवेलेबल नहीं है डिक्टेशन का। डिक्टेशन आपको ऑफिस 365 या 2019 जो लेटेस्ट वाला उसी में मिलेगा। इज दिस कंप्यूटर फंक्शन इज आल्सो अवेलेबल ऑन एक्सेल? कंपेयर के लिए तो सर मैंने बताया कि वर्ड का कंपैरिजन अलग है, एक्सेल के लिए बहुत सारे फॉर्मूले कंपेयर करने के लिए। नहीं, एक्सेल तो बेसिकली वो कंपेयर आपका कंटेंट होता है ना, तो हाँ, बेसिकली आर्ग्यूमेंट exactly. आपने भेजा है या कोई भी आपने डॉक्यूमेंट भेजा था उसको चेंजेस करने के लिए, और सामने वाले ने टैग चेंजेस भी हटा दिए, अब आपको वर्ड टू वर्ड और पंक्चुएशन बाय पंक्चुएशन देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं उसे ही मुझे चेक करना है, तो वो आपको बता देगा कंपेयर करके कि भाई कहाँ पे लाइन स्पेस दिया है, कहाँ पे बेसिकली कोई कैरेक्टर इंक्लूड किया है, कोई वर्ड इंक्लूड किया है, क्या डिलीट किया है, तो वो आपको वर्ड टू वर्ड पंक्चुएशन टू पंक्चुएशन बता देगा आपको। सर एक आ रहा है, हाउ टू मेक सेपरेट फाइल फॉर सेपरेट लेटर, ये तो आई थिंक अभी जो सचिन जी ने बताया है, आप लेटर का कंटेंट प्रिंट टू पीडीएफ अलग अलग पीडीएफ कर सकते हैं उसमें, हाँ, और आप उसमें जैसे सचिन जी ने प्रिंट किया था तो वन बाय वन आपको प्रिंट कर सकते हैं, तो सेपरेट सेपरेट आपका वो काम हो जाएगा। वी यूज जीमेल, जीमेल पे आपको बता दिया कि ये वाला मेल डायरेक्टली जीमेल किसी सपोर्ट नहीं हो पाएगा। आपने लिखा कि डेटर कंफर्मेशन लेटर को हम एंड में लिख सकते हैं, पर उसमें आपको चैलेंज आएगा कि आपका कंटेंट चेंज होना है, या तो आप इसका ऊपर एक मास्टर बना लीजिए, जैसे हमने ये लेटर बनाया उसमें एक अमाउंट का मास्टर बना लीजिए, वहां पे आप ऊपर उसको एक टैब में लग सकते हैं तो अमाउंट वहां से चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नीचे के कंटेंट को फिर आप इसको साथ यूज नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली लेटर एट द ईयर एंड and we have to change the balance of party in the mail content also can we make the changes in the main content also sab wo individual mein aap kar sakte hain theek hai aur baki sari cheeze aapki change rahengi ab main kya ye mera writer letter aa gaya ye mera sab okay hai preview letters mein aa gaya theek hai complete this merge ab ye print se pehle mujhe aata hai edit individual letters right तो वहां जाकर के आप कर सकते हैं। हाँ। सचिन जैसे एक्सेल फाइल इसको एक फील्ड बना दें, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज एट सो एंड सो डेट, और उसको फील्ड बना ले, और जो आपने उसमें सिलेक्ट करने के लिए कहा था वहीं ले ले, तो ऊपर टॉप पे ही बैलेंस आ जाएगा, टॉप पे ही बैलेंस आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा टॉप बैलेंस। और ये आपके जैसे आगे इंडिविजुअल लेटर्स पे किया तो इसे मैं वर्ड में नीचे लेटर्स बना दिए बेसिकली, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली आप लेटर्स पे एडिट करके प्रिंट कर सकते हैं, लेटर्स इनसे बना दिए आपके पांच। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वी यूज जीमेल, हाउ विल इट वर्क ऑन जीमेल, संदीप जी का क्वेश्चन है। सर जीमेल वाला आउटलुक में कॉन्फ़िगर हो सकता है, मतलब आउटलुक तो एक बेसिक फंक्शन है
बेसिकली जीमेल आपका वेब वर्जन है, ठीक है, और आउटलुक जो है आपका क्या है, डेस्कटॉप वर्जन है। तो आप जीमेल वाला अकाउंट अपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर सर आउटलुक में मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगर नहीं होते। नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो बल्क ईमेल गया हूं ना। अब आपका अगर जो आपका जो भी जीमेल डोमेन है अगर वो बल्क ईमेल ईमेलिंग सपोर्ट नहीं, मैं बल्क ईमेलिंग नहीं कर पाऊँ ना, अलग अलग ईमेल भेज रहा हूँ सबको। ओके बल्क ईमेलिंग नहीं कर पा ना मैं सबको, अलग अलग इंडिविजुअली मेल भेज रहा हूँ। नहीं इंडिविजुअली तो भेज रहे हैं पर आउटलुक में टोटल कितने कॉन्टेक्ट आ सकते हैं? वो तो अलग क्वेश्चन हो गया, मुझे भी अच्छा, देखना पड़ेगा कितने कॉन्टेक्ट आ सकते हैं, पर ये तो मतलब कॉन्टेक्ट है या नहीं मेरे एक्सेल अच्छा, में जितने भी हैं वो उनको मेल कर देगा। उनको चला जाएगा मेरे हाँ, कॉन्टेक्ट में सेव है या नहीं है वो सबको उससे चला मतलब नहीं जाएगा। है। ओके हाँ फाइन ठीक है। और कुछ कह रहे थे? और ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ वी कैन सेंड सैलरी स्लिप टू इंडिविजुअल एम्प्लॉइज यूजिंग मेल मर्ज, सेम क्वेश्चन है। सब वो ही आपका आ गया कि मेल वर्ज में आपका बेसिकली क्या है, थोड़ी बहुत आपको वर्ड और एक्सेल मिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला एक्सेल के साथ में आप वो अपना लेके आ सकते हैं उसमें वर्ड, मतलब बेसिकली टेबल जो है आप एक्सेल के साथ लिंक कर सकते हैं, फिर आपको इसको इंडिविजुअली आपको भेजना तो पड़ेगा। मतलब मैं बोला मेल वर्ज में बेसिकली एड्रेस और ग्रीटिंग से आता है। राइट सर, ठीक है सर, आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे ही और फिर अगला सेशन प्लान करेंगे नेक्स्ट, उसके लिए इंटीमेशन करेंगे सभी लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों ही स्पीकर्स का आज के, वरुण जी का और सचिन जी का, कि इन्होंने हमें 2 दिन पहले हमें एक्सेल भी सिखाया, अभी 2 दिन बहुत वेरियस यूटिलिटी वर्ड की सिखाई है, अभी और भी बहुत कुछ लर्निंग के लिए। वी विल रिक्वेस्ट देम कि और इसी तरीके के क्रिटिकल इश्यूज निकाल करके करते रहें। मैं हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर में रविंदर जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। अनम्यूट कर लीजिए रविंदर जी। रविंदर जी की आवाज नहीं आ रही है तो मैं अतुल्य जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। थैंक यू किंगपा जी, आई ऑन बिहाफ ऑफ द सीएवीएम एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू बोथ द स्पीकर्स। उन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया है, जो 20-25 साल से हमारा स्टाफ हमें लगा हुआ है वो हमें सिखाता नहीं है। मैं आपको एक सलाह और दूंगा, कोविड में जो मैंने किया है मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया मेरे कंप्यूटर पर काम नहीं करेगा, मुझे बताएगा और मैं अपने हाथ से कंप्यूटर चलाऊंगा। तो आप विश्वास करना मैंने 1 महीने में इतना कुछ सीख लिया जो मैं पिछले 30 साल से नहीं सीख पाया, तो मेरे दिल में डर 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 कर बैठा था। तो इसलिए मैं सबको ये सलाह दे रहा हूँ कि अपने स्टाफ को बोले तो कोविड की वजह से कंप्यूटर बाद में लगाओ, कि जिसको तो चाहिए मुझे आगे बताए। तो ये चलाना आ गया, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्ट आता है। छोटी छोटी पासबुक उठाओ एक्सेल में बनाओ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सर इसी चीज के लिए सर हमने अपना चैनल निकाला है, उसपे हम बहुत छोटी छोटी शॉर्टकट्स की वीडियोस उसमें डाल रहे हैं सर। आप आइए okay. उसको सब्सक्राइब कीजिए सर, उसमें देखिए, और वहां भी आपका अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिसपे आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें सर सजेस्ट भी कर सकते हैं। वहां पे आके हम आपके लिए उस टॉपिक की वीडियो चला देते हैं कि आप उसकी वीडियो एजिंग, आपको एजिंग यूटिलिटी चला देंगे ऐसे करके, जो भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली उसको भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। यूटिलिटी भी अगर आप कहेंगे छोटी कोई जो आपके ऑफिस में रूटीन में यूज हो सकती है हम उस पर भी सर वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो हमारा मोटिव सर सिर्फ यही है कि एक्सेल जो है, मतलब एक्सेल और वर्ड जो है सर बेसिकली सबको आना चाहिए, बिकॉज इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है सर। ये एक सर ये समुद्र है और जितना हम इसमें डाइव लगाएंगे और हम और गहराएंगे। वरुण जी अगर हम ये लोग नहीं करेंगे ना तो जो वर्क फ्रॉम होम हम करने की कोशिश कर रहे ना एग्रीड उसमें फेल हो जाएंगे, बिल्कुल सर फेल हो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे सर। इसी मोटिव से हमने अपने चैनल को चलाया। ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मोटिव से सर हमने अपने चैनल को चलाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी छोटी छोटी यूटिलिटी मिलेंगी कि जो आप 5-10 मिनट की यूटिलिटी देखेंगे अपने एक रूटीन के फंक्शन को इजीली आप यूज कर पाएंगे। तो यूट्यूब पे WI Excel से देखें सर, MI Excel के नाम पे है सर ये अभी। हाँ अभी हम अपने सर ये अभी जब अपलोड करेंगे इसके चैट बॉक्स में हम उसका भी लिंक दे देंगे
और हमारे ग्रुप भी हमने एक बनाया, उसका लिंक भी दे देंगे, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़िए, तो उससे रिलेटेड कोई भी हमारा लेटेस्ट अपडेट होगा तो हम आपको ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। राइट, वेरी नाइस, ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं वरुण जी, एंड थैंक यू सर, नेक्स्ट टू डे के साथ में हम नेक्स्ट वीक बिल्कुल सर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, टेक केयर, थैंक यू, वी मे एंड द डे एंड अ वंडरफुल एंड ऑफ द वीकेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू, टेक केयर सर। सुभाष जी कुछ कह रहे हैं आज डोटेड, मैं क्या, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सुभाष जी, गुड नाइट।